हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं न्यूटेक, मैं हूं इकबाल मंडल। तो गाइज, ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये कोटक महिंद्रा कस्टमर केयर नंबर है। तो इसमें आप कॉल करेंगे तो आपका मोबाइल का पैसा खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका मोबाइल पैसा खत्म हो जाएगा लेकिन बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टोल फ्री नहीं है। तो इसी को देख के मैं ऐसा नंबर लेके आया हूँ जहाँ पे आप कॉल करेंगे तो आपका कॉल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा इसमें। एक बात आप समझ जाइए, मेरे को जब तक अच्छा वीडियो नहीं मिलता तब तक मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं डालता। तो ये मेरा अपना रूल्स है। एक जो कस्टमर केयर नंबर मैं दिखाने वाला हूँ, अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो सीआरएफ नंबर और डेबिट कार्ड पिन कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगा इसमें। मैं आपको कॉल कनेक्ट करके कस्टमर केयर में बात करके मैं दिखाने वाला हूँ, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा टोल फ्री नंबर है या नहीं है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए सबसे आगे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक का, ये टोल फ्री नहीं है। चलिए डायल करके देख लेते हैं। तो अभी मेरा मोबाइल में कुछ भी पैसा नहीं है तो इसको डायल कर लेता हूँ, तो आप प्रूफ के साथ देख लीजिए। तो मैं इसको लाउड स्पीकर दे देता हूँ, तो आप देख लीजिए फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये चार्जेबल नंबर है। तो गाइस, आपने देखा होगा ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इस बार मैंने टोल फ्री वाला नंबर डायल करके कॉल को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जो नंबर मैंने दिखाने वाला हूँ वो नंबर डायल कर लेता हूँ इस बार। तो चलिए देखते हैं फोन कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो मैं लाउड स्पीकर दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक फोन कनेक्ट हो चुका है। तो मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया ये टोल फ्री नंबर है। तो ये नंबर क्या है चलिए देख लेते हैं। तो आप नंबर को नोट कर लीजिए, 011, उसके बाद 6600, उसके बाद 60, उसके बाद 22। तो इस नंबर को कनेक्ट करके कस्टमर केयर में बात करके आपको दिखाऊंगा। तो इसको भी लाउड स्पीकर दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक बात है, अगर आपके पास सीआरएफ नंबर और डेबिट कार्ड पिन मांगते हैं तो आपको कॉल को डिसकनेक्ट कर देना होगा। उसके बाद फिर से दोबारा कॉल को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास सीआरएफ और डेबिट कार्ड पिन नहीं मांगेगा। तो मैं 2-3 बार कॉल को डिसकनेक्ट करके फिर से लगाने के बाद सीआरएफ और डेबिट कार्ड नंबर डालने के लिए नहीं बोला। तो आप देख सकते हैं सिर्फ आपको 2 दबाना है बैंकिंग के लिए। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल या ऑटोमेटिक कॉल कनेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इस दिन में आपका अमाउंट बेनिफिशियरी को डिस्प्यूट या कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आपने आपके अकाउंट पर लगे चार्जेस या अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल किया है तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉग इन करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके मोबाइल बैंकिंग में और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि पे योर कॉन्टैक्ट, एड्रेस चेंज एंड के मॉल। हिंदी जी मेरा मैम, मेरा अकाउंट खोलने का
एक 1 साल हो चुका है, अभी तक KYC नहीं हुआ है। आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैं एज पर बैंक रिकॉर्ड? इकबाल मंडल। इकबाल मंडल पूरा नेम। कंफर्म करने के लिए धन्यवाद, साइन करेगा। आपका अकाउंट जो है ना वो बंद हो गया है। ओके ठीक है मैम। हाँ तो अभी आप तो या तो दूसरा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ब्रांच आप विजिट कर सकते हैं, बिकॉज कोटक के में अगर कोई और अकाउंट अगर आप ओपन कराना चाहते हैं तो ठीक है। ओके ओके। इसके अलावा और कोई जानकारी? नहीं मैडम। तो आपको जैसा बोला वही किया मैंने, बात करके दिखा दिया, और ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। तो गाइज इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा सबसे आगे वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।